सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान की तो कौन कहे, भाव पर बिना टके तो संसार की भी कोई वस्तु नहीं मिल सकती है। उदाहरण बोले, एक बार एक महाशय जी बाजार के लिए निकले कुछ सामान खरीदने के लिए। सुपत्नी बोली, तुम रहने दो। कहा, क्यों? बोले, तुम्हें कुछ आता वाता है नहीं, ठक करके आ जाते हो, इसलिए तुम रहने ही दो, बाजार ना जाओ सो बढ़िया ही है। और ये हमारी माताओं की सबसे बड़ी आदत होती है ना। पुरुष कोई भी सामान लेकर के आए, कोई भी वस्तु को लेकर के आए, तो माता ये जरूर कहती, अरे ठग गए आप तो, हम जाते फिर देखते आप 100 रुपए कम की लेके आते। माताओं को ऐसा लगता है कि हम जो भी लेकर के आते हैं वो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा लेकर के आते हैं, है ना। तो श्रीमती जी ने कहा कि महाराज आप रहने दो सो बढ़िया है, आप ठग करके आ जाते हो। तो पतिदेव ने कहा, तुम बताओ कैसे सामान लिया जाता है, तुम जैसे कहोगे हम आज वैसे ही लेकर के आएंगे। सो पत्नी बोली, देखो यदि दुकानदार कोई दाम बताए तो ये नहीं कि तुम उसको उतना ही दे करके आओ, नहीं, कम करना चाहिए, अपने मन से भाव लगाना चाहिए। पतिदेव ने सुना कहा, अच्छा ऐसी बात है, हाँ। तो पतिदेव ने कहा, ठीक है हम भी ऐसे ही करके आएंगे। महाशय जी गए हैं बाजार, जैसे ही बाजार गए तो उसी समय पर बारिश होने लगी, और बारिश हुई तो महाशय जी के मन में विचार आया, बोले अब कुछ भी हो सबसे पहले छाता ही खरीदेंगे, इस समय पर बारिश आई है तो हम छाता ही खरीदेंगे। सो छाता की दुकान पर पहुंचे, छाता को देखा, जैसे ही लेने के लिए तैयार हुए, सो दुकानदार से पूछा, भैया ये कितने रुपए का है? सो दुकानदार बोला, भैया ये 100 रुपए का है। बोले, 100 रुपए का? बोले, हम तो नहीं दे सकते 100, तो बोले हम तो 80 देंगे। तो बोला, महाराज 80 में तो नहीं, 80 में कैसे दे सकते हैं, 100 की तो हमें खरीद ही पड़ी है और हम आपको बिल्कुल सही रेट बता रहे हैं, 100 से कम नहीं कर सकते। बोले, नहीं तो हम लेंगे ही नहीं। अब वो तो सीख करके आया था, अपनी पत्नी से पढ़ के आया था। बोला, 80 से जाना मैं दूंगा नहीं। तो उसने कहा, चलो ठीक है तुम 80 में ही ले जाओ। तो बोला, अब मैं 40 दूंगा। पत्नी, उसका दिमाग खराब दुकानदार का, अभी 80 कह रहा था, हमने 80 कह दिया तो ये 40 कहने लगा। बोले, भैया आपका दिमाग तो ठीक है, आप 80 की बोल रहे थे, मैंने 80 भी कह दिया, तुम कहते हो 40, 40 में नहीं दे सकता, 40 में पड़ा ही नहीं है तो दे कैसे दूं। बोले, ठीक है तो रखे रहो, हमें तो नहीं लेना। और जैसे ही वहां से चलने लगा, सो दुकानदार को लगा कि ये लेगा नहीं, सच में ही जा रहा है। तो कहा, ठीक है भैया 40 में ले जाओ। तो जैसे ही सुना, सो बोला, अब तो हम 20 रुपए में लेंगे। अब दुकानदार का दिमाग खराब कि अब तो हद ही हो गई, अब 40 की कहा तो 20 में। बोले, भैया 20 में नहीं दे सकते हैं, लेना हो तो लो और नहीं लेना हो तो जाओ। सो वो जाने लगा, दुकानदार ने सोचा कि मौका हाथ से गया। सो बोले, भैया रुको 20 रुपए में ले जाओ। सो बोला, अब तो हम 10 रुपए में लेंगे। अब दुकानदार जितने भी दाम लगाए वो उसके आधे लगाता जाए। सो दुकानदार ने कहा, एक काम करो कि मुफ्त में ही ले जाओ। सो बोले, फिर 2 ले जाऊंगा, फिर 1 नहीं ले जाऊंगा, मुफ्त में दोगे तो फिर 2 ले जाऊंगा। और अंतम हुआ क्या? बोले, अंत में ये हुआ कि वो बिना छाता के ही वापस लौटा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक एक भाव पर टिके नहीं तब तक छाता भी नहीं मिल सका, तो फिर एक भाव पर टिके बिना भगवान कैसे मिल सकता है।